नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं राजेश गौतम, मैं आपके सामने जो आज वीडियो लेके आया हूँ मैथ्स के, जिस कंसेप्ट पर आधारित है मेरा आज का वीडियो, वो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एंगल्स। ये ज्योमेट्री का एक पार्ट है जिसमें आज हम एंगल्स के बारे में जानेंगे, उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एंगल, एंगल क्या होता है? एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट। एंगल एक फिगर होता है जो दो डिफरेंट टाइप्स की, यानी अलग अलग प्रकार की दो रेज से बनता है, जो किसी एक ही जगह से निकली हुई होती है। ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये एक एंगल का एग्जाम्पल है, जहां पर ये एक इनिशियल पॉइंट की बात कर रहा है, वो पॉइंट यहां है। इस पॉइंट से एक रे इधर जा रही है, एक रे इस तरफ जा रही है, तो यहां पे हमारे पास टू रेज हैं। एक रे है ओ से ए की तरफ, दूसरी है ओ से बी की तरफ। तो इनिशियल पॉइंट कौन हो गया हमारे लिए? इनिशियल पॉइंट हो गया ओ, ठीक है। तो टू रेज जो किसी सेम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, और उनके बीच के गैप को एंगल कहा जाता है, ठीक है। तो जो इनिशियल पॉइंट है उसे कहा जाता है वर्टेक्स, और जो इसकी रेज हैं उन्हें आर्म्स कहा जाता है। तो एक एंगल के लिए टू आर्म्स का होना जरूरी है, ठीक, एक वर्टेक्स और टू आर्म्स, ठीक। तो एक एंगल, जैसे कि यहां लिखा है, एन एंगल डिवाइड्स द रीजन इंटू थ्री पार्ट्स। मतलब जब एक एंगल बनाया जाता है तो ये उस रीजन को, जिस रीजन में ये बनाया जाता है, जिस क्षेत्र में ये बनाया जाता है, उस सरफेस या उस क्षेत्र को तीन हिस्सों में बांट देता है। पहला वाला हिस्सा इसके इंटीरियर का हो जाता है, सेकेंड उसके एक्सटीरियर के लिए हो जाता है, और थर्ड वाला पार्ट उसके खुद का रहता है, जो वो खुद एंगल बना है। तो इसके लिए कहते हैं इट्स इंटीरियर, इट्स एक्सटीरियर एंड ऑन इट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके इंटीरियर पार्ट के लिए। तो जब भी कोई एंगल आपके पास आता है, जितनी बड़ी उसकी रेज हैं, दोनों रेज के टिप पर जाइए, उस टिप से दोनों टिप को डॉट 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 करके आप मिला दीजिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस टिप को इस टिप से डॉट 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 करके मिलाया हुआ है, और इस डॉट, इसके अंदर जो भी एरिया है वो सारा इसका इंटीरियर पार्ट है, वो सारा इसका इंटीरियर पार्ट कहलाता है। तो अगर आप पॉइंट पी को देखेंगे, पॉइंट पी मैंने डाला हुआ है, तो वो इस एंगल के इंटीरियर में है, ठीक। अगर इसी डॉट 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 को, जो मैंने कि इस यहां पर उस एंगल को बनाया है, वो सारा पार्ट जो इससे बाहर की तरफ है, सारा का सारा, वो सारा रीजन जो इसके बाहर की तरफ है, ये सारा पार्ट एक्सटीरियर कहलाता है, ये सारा का सारा। तो इंटीरियर क्या हुआ? इस टिप से इस टिप के अंदर तक का, और एक्सटीरियर क्या? इस टिप और इस टिप से लेके अंदर वाले को छोड़ के बाकी सारा पार्ट एक्सटीरियर कहलाता है। ऑन इट का मतलब क्या है कि एंगल पर ही। जैसे कि आप इस एंगल को देखिए, इस एंगल पर कुछ पॉइंट लगे हुए हैं। एक तो ए और बी जो बना है वो तो इस एंगल के लिए ही है कि ए ओ बी, ये तो एक एंगल हुआ। और इस पर एक पॉइंट और लगा हुआ है एस, और इस पर पॉइंट लगा हुआ है टी। तो ये इसकी आर्म पर ही ये पॉइंट है, तो वो पॉइंट जो उनकी आर्म पर ही हो, किस पर? एंगल की आर्म पर होती है, तो वो ऑन इट कहलाती है। और वो पॉइंट जो उसकी आर्म पर नहीं होती, इस प्रकार से अंदर की तरफ हो, तो वो इंटीरियर कहलाती है। कोई पॉइंट जो उसकी आर्म पर नहीं है, अंदर की बजाय बाहर कोई पॉइंट हो, तो वो एक्सटीरियर कहलाते हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, पॉइंट आर, पॉइंट क्यू, ये एक्सटीरियर पे है, ठीक है। तो यहां पर इंटीरियर में अगर हम बात करें, तो पॉइंट पी इज इंटीरियर, इज इन इंटीरियर, इंटीरियर
ठीक है, इंटीरियर भी कह दीजिए या फिर इनसाइड कह दीजिए कि ये अंदर की तरफ है। तो पॉइंट भी तो इंटीरियर में हो गया, इंटीरियर वाले अंदर वाले क्षेत्र में हो गया। यहां पर एक्सटीरियर में कौन कौन हो जाएंगे आपके लिए, आप कह सकते हैं कि यहां पे पॉइंट्स कौन कौन से हैं, क्यू आर, पॉइंट्स क्यू एंड आर आर आउटसाइड, आउटसाइड यानी कहां पर है, इन एक्सटीरियर कि वो बाहर की तरफ है। कौन कौन से पॉइंट, पॉइंट क्यू और आर, ये दोनों ही ट्रायंगल से बाहर की तरफ है। तो आप अब किसी भी एंगल, अब अगर आप किसी भी एंगल को देखते हैं, उस एंगल में कोई पॉइंट कहां लगा है, इंटीरियर में लगा है, एक्सटीरियर में लगा है या फिर उसी एंगल पर बना है, अब आपको पता चल जाएगा। तो इंटीरियर के लिए इस पॉइंट, इस टिप से लेके इस टिप तक एक डॉट 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 लाइन लगा करके अंदर का हिस्सा इंटीरियर और उससे सारा बाहर का हिस्सा एक्सटीरियर। अगर कोई भी उस लाइन पर, उसकी किसी भी आर्म पर कोई पॉइंट मिल जाता है तो वो ऑन इट कहलाएगा। तो पॉइंट कौन सा वाला, पॉइंट एस एंड पॉइंट टी आर ऑन द एंगल, पॉइंट एस एंड पॉइंट टी आर ऑन द एंगल। ठीक है, व्हाट इज एंगल, ये आपको समझ में आया कि एंगल एक एक प्रकार का ऐसा फिगर है जो किसी इनिशियल पॉइंट से निकली हुई टू रेज के बीच में जो गैप होता है उसे एंगल कहते हैं। ठीक, उसमें टू आर्म्स और एक इनिशियल पॉइंट जिसको वर्टेक्स कहते हैं वो होता है। इंटीरियर कौन से वाले क्षेत्र को कहते हैं, एक्सटीरियर कौन से वाले क्षेत्र को कहते हैं, वो यहां पर है। और ऑन इट का मतलब है कि उसकी आर्म पर जो पॉइंट होगा उसे ऑन इट कहा जाता है, कि इस पर। ठीक है, अब आते हैं नोटेशन पर। नोटेशन का मतलब होता है नेमिंग करना, किसी एंगल का नाम हम किस प्रकार से देते हैं। देखिए, ये आपके पास एक एंगल है, इसका नेमिंग, कभी भी किसी एंगल का नाम देना हो तो सबसे पहले इस प्रकार से एक एंगल का साइन जरूर बनाएंगे। एंगल का साइन बनाना बिल्कुल ना भूलें अगर एंगल का नाम देना है तो। इसके नाम देने का तरीका, वर्टेक्स पर जो आपने अल्फाबेट लिया है, जैसे ओ लिया है तो एंगल ओ, एक एक तरीका। या फिर जो वर्टेक्स पर अल्फाबेट है उसे लीजिए सेंटर में, वो चाहे कोई भी क्यों ना रहे, उसे सेंटर में लीजिए और उसकी जो रेज हैं और रेज पे जो अल्फाबेट्स हैं वो लीजिए उसके लेफ्ट और राइट साइड में। तो अगर आप ओ को सेंटर में लेंगे तो एक तरफ पी हो जाएगा और एक तरफ क्यू हो जाएगा। तो इस एंगल का नाम है पी ओ क्यू। ठीक है, पी ओ क्यू इस एंगल का नाम है। अब आप वही देखिए कि हमने P आगे लगाया है तो हम इसको तो Q को भी आगे लगा करके इसका नाम दे सकते थे, POQ कहिए या फिर QOP बोलिए, ये एक ही एंगल का नाम है। या सिर्फ एंगल O भी बोलेंगे तो भी इसी का नाम है। सिंगल अल्फाबेट या लेटर का जो यूज किया जाता है वो तब ही किया जाता है जब किसी वर्टेक्स पर एक ही एंगल बनता हो, तब नहीं जब किसी वर्टेक्स पर दो एंगल बनते हो। ठीक है, तब सिंगल अल्फाबेट्स का यूज नहीं किया जाता, तब फिर इसी प्रकार से उसके नेमिंग किए जाते हैं। ठीक है, तो किसी एंगल का नाम किस प्रकार से देंगे, जो वर्टेक्स पर जो भी अल्फाबेट है उसे सेंटर में लेंगे और उसकी जो रेज है मीन्स उसकी जो आर्म्स हैं उस पर जो अल्फाबेट है वो उसके आजू बाजू में मीन्स लेफ्ट राइट साइड में आप ले लेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स कितने प्रकार के, टाइप्स ऑफ एंगल्स, सबसे पहले तो एंगल जीरो डिग्री का। जीरो डिग्री का एंगल कब है, जब किसी इनिशियल पॉइंट से और जो दो रेज निकल रही हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएं। फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए, ठीक है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है। ठीक, यहां से जो दो रेज है एक दूसरे के ऊपर आ गई तो आप देखेंगे कि ये एक के ऊपर एक, अब आपको एक ही रेज नजर आ रही है, एक ही आर्म लग रही है, तो लग तो एक ही नहीं है लेकिन एक के ऊपर एक है, तो उनके बीच में कोई गैप ही नहीं है। तो उनके बीच में जब कोई गैप ही नहीं है तो एंगल जीरो कहलाता है वो, तो जीरो डिग्री का एंगल, एंगल होता है जीरो डिग्री। ठीक, इसको हम जीरो एंगल मतलब जीरो डिग्री।
दूसरा फिर नेक्स्ट एंगल है अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। जो भी 90 डिग्री से छोटे एंगल होंगे सारे अक्यूट एंगल होंगे, चाहे वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, चाहे 80 है, चाहे 89 है, 80, मतलब 0 से 90 के बीच के जितने भी एंगल्स होंगे सारे अक्यूट एंगल कहलाएंगे। आप इसको देख सकते हैं, इसको 90 डिग्री का एंगल कहते हैं। तो इसके अंदर जितने भी ये छोटे एंगल है ये सारे, ये सब एक्यूट कहलाएंगे। ये एक्यूट है, ये एक्यूट है, ये एक्यूट है, ये 90 हो गया, ये राइट एंगल हो जाएगा। जैसे ही 90 हो जाता है, जैसे ही 90 डिग्री का एंगल होगा उसे राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। और जो भी इसके अंदर अंदर की तरफ रहेंगे वो सारे अक्यूट एंगल कहलाएंगे। और जो भी 90 से थोड़े से भी बड़े हो जाएंगे, थोड़े से भी बड़े हो गए, वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं ग्रेटर देन 90 से बड़े। जैसा कि एक एंगल का एग्जांपल यहां पे दिया है, बाकी आप इससे समझ सकते हैं 90 से थोड़े से भी बड़े ऑब्ट्यूज, ये सारे ऑब्ट्यूज हैं। कब तक? जब तक ये स्ट्रेट एंगल नहीं बन जाते। इसको कहते हैं 180 डिग्री का एंगल। स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का एंगल होता है, यहां लिख सकते हैं 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री इस प्रकार से स्ट्रेट, बिल्कुल दोनों रेज एक दूसरे के ऑपोजिट में रहती है, ठीक। तो ये 180 डिग्री। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। देखिए, जीरो से स्टार्ट हुआ, एक्यूट आया, राइट एंगल आया, ऑब्ट्यूज आया, स्ट्रेट हुआ और पीछे की तरफ मुड़ गया। 180 से जैसे ही बड़ा होता है तो रिफ्लेक्स एंगल बन जाता है। रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। 180 से बड़ा एंगल रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे खुल रहा है, 90 गया और खुला, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, फिर स्ट्रेट के बाद और बैक साइड में चला गया, तो क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है 180 से बड़ा होता है बट लेस देन 360 होता है, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में कौन सा आएगा? कंप्लीट एंगल उसे कहते हैं जब ये पूरा घूमने के बाद, पूरा घूमने के बाद वापस इसी के ऊपर फिर से, मतलब पूरा घूमने के बाद वापस इसी के ऊपर फिर ऐसे ही आ जाए। घूमने के बाद ये आपने देखी, एक रे चलती चलती जा रही थी, आम चलती जा रही थी, सीधी हुई बैक आई और वापस घूम के उसके ऊपर आ गई। राउंड करने के बाद, पूरा राउंड करके वापस उसी जगह पे जब आती है तो इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री का है, ठीक है। तो क्या समझे? जीरो डिग्री का एंगल, जीरो एंगल जिस पर की जो रेज होती हैं एक दूसरे के ऊपर ऐसे होती हैं कि उनके बीच में कोई गैप ही नहीं आता है, वो राउंड करके नहीं आई है, जस्ट रखी हुई है एक दूसरे के ऊपर। और एक्यूट होता है थोड़ा सा और 90 के बीच में कोई सा भी, जीरो से बड़ा बट 90 के बीच में कोई भी एंगल। और उसके बाद आता है राइट 90 डिग्री का एंगल जो कि राइट एंगल कहलाता है। उसके बाद आता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस से बड़ा होता है स्ट्रेट एंगल जो कि 180 डिग्री का एंगल होता है। 180 से बड़ा रिफ्लेक्स एंगल होता है, बट 180 से बड़ा होता है बट 360 से छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। उसके बाद आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में 360 का डिग्री का पूरा, वो पूरा एक राउंड लगा देता है, यहां से चल के वापस घूम के इसी के ऊपर आ गए, तो उसे कहते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ एंगल्स में यही था। अभी बच्चों जल्दी से अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि अब हम एंगल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, कितने डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाता है, वो जल्दी से हम करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम एंगल्स बनाने जा रहे हैं। आप लोगों के पास, सबके पास डी होगा, देख लीजिए आपके पास डी इस प्रकार से होगा, जिसमें एक यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कट लगा हुआ है, वहाँ पर आपके पास डी में इस प्रकार से होगा, यहाँ पर एक इस प्रकार से क्रॉस लगा हुआ होगा, ठीक है। तो वो जो क्रॉस है वो इसके अंदर एक कट की तरह है, ठीक है। तो उसे हमें कैसे करना है देखिए, बहुत से बच्चे इस डी पर, पहले तो इसकी काउंटिंग को देखेंगे आप ध्यान से, इसमें एक तरफ जीरो से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, ऊपर की तरफ देख सकते हैं आप, जीरो 10 20 30 40 50 60 और यहाँ पे 90, फिर 110 120, ये आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं 180 तक जा रहा है, ठीक है। एक काउंटिंग और है जहाँ पे 180 है, वहीं से फिर जीरो से स्टार्ट हो रहा है।
तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, देन अगेन फिर से यहाँ तक 180 जा रहा है। तो ये सबके डी में ऐसा ही होता है। अब हमें ये देखना है कि हमें नीचे वाली काउंटिंग से डी एंगल बनाना है या ऊपर वाले काउंटिंग से हमें एंगल बनाना है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा कि जो लाइन सेगमेंट हमारे पास है या जो लाइन, अब हम इसको एक लाइन ही बोल देते हैं, साइड बोल देते हैं, एक लाइन जो हमें दे रखा है, हम उसके कौन से एंड पर एंगल बनाने वाले हैं। एंगल इस एंड पे बनाएंगे या इस एंड पर बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। जिस भी एंड पर हम बनाना चाहेंगे उसका वो वाला एंड इस कट के अंदर आना चाहिए, ठीक है। जो भी एंड होगा, जैसे ए है तो यहां का जो डॉट है ये वाला, ये मेरे इस कट में आना चाहिए, और आपके वो जो क्रॉस बताया था वहां उसके नीचे आना चाहिए, और उसकी लाइन, ये जो लाइन है ये एग्जैक्ट इस लाइन के साथ बिल्कुल स्ट्रेट में आनी चाहिए, इधर या इधर, ठीक है। ए पर बनाना चाहते हैं तो देखिए क्या होगा। अब आप देख सकते हैं ए के और ये लाइन बिल्कुल यहां इसके साथ स्ट्रेट में ले ली। फिर से समझिएगा, डॉट पे लगाया और वो वाली लाइन मेरे इस तरफ दब गई है। तो अगर लाइन मेरी इधर दबी है तो आता हूं, वो डॉट जब मैंने ए लिया था यहां लिया था, ठीक है, और वो लाइन मेरी इधर की तरफ आई थी। तो ध्यान रखिएगा, जब आप जिस एंड पर एंगल बनाते हैं और लाइन जिस तरफ दबती है, काउंटिंग वहां से शुरू की जाती है। यहां पर उसका एंड पॉइंट यहां पर हमने लिया था, तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट में इसके साथ यहां पर दबी थी, बिल्कुल स्ट्रेट यहीं पर रहनी चाहिए, बिल्कुल भी टेढ़ा वगैरह टेढ़ा नहीं करना है, बिल्कुल यहीं सीधाई में रहनी चाहिए। देखिएगा आप, आपके डी में इस पॉइंट पे जहां पर क्रॉस है वहां से एक लाइन सीधी जा रही है, तो आपकी ये वाली लाइन उस लाइन के नीचे ही बिल्कुल दब जानी चाहिए, बिल्कुल भी थोड़ी सी ना नीचे दिखाई दे ना ऊपर दिखाई दे, बिल्कुल उस लाइन में दब जानी चाहिए, ठीक है, इधर। और अगर आप बी पर एंगल बनाते हैं, अगर बी पॉइंट को लेते हैं, ये वाला एंड पॉइंट बी लेते हैं, तो हमारा बी फिर इस कट में, बी का जो पॉइंट है वो इस कट में आना चाहिए। जब मेरा बी का पॉइंट इस कट में आएगा तो वो लाइन मेरी इस तरफ दबेगी, और अगर बी पॉइंट मेरा जो था, जो एंड पॉइंट था, वो इस पे आता है यहां पर जो क्रॉस, जो मेरा कट बना हुआ थोड़ा सा, तो वो लाइन कहां पर दब रही थी, इस तरफ। अगर लाइन इधर दबेगी तो फिर मैं काउंटिंग कौन सी वाली स्टार्ट करूंगा, ये वाली लाइन जिस तरफ दबती है उधर की, वहां से काउंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। अब मुझे 40 डिग्री का एंगल बनाना है, तो मैं बनाना चाहता हूं ए पर। ए पर अगर हम 40 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो पहले तो ए के साथ देखिए, ए वाला जो एंड पॉइंट है दबा और ये लाइन यहां पर लग गई, ठीक। तो अब क्योंकि लाइन, क्योंकि लाइन मेरी इस तरफ दबी है तो मैं यहां से काउंटिंग शुरू करूंगा, तो वो 0, 10, 20, 40 डिग्री का मेरा बन रहा है, 0, 10, 20, 30, 40 डिग्री पे मैं यहाँ पे डॉट लगा दूंगा। 40 आएगा तो वहां पर मैंने एक डॉट ऊपर की तरफ लगाओ या नीचे की तरफ लगाओ, एक ही बात है। अब क्योंकि आपके डी में अंदर तो गैप है नहीं, तो आप कहाँ लगाएंगे, यहाँ 40 से बिल्कुल यहाँ लगा देंगे, 40 डिग्री पे लगेगा। फिर उसके बाद आप डी से इन दोनों डॉट्स को मिला देंगे, ठीक है, इन डॉट्स को मिला करके लाइन खींचेंगे तो ये बनेगा हमारा 40 डिग्री का एंगल। कब हमने, देखिए यहां पर ए वाला एंड को, एंड पॉइंट को यहां पर इस क्रॉस में लिया जहां पे कट था, और क्योंकि लाइन यहां दब रही थी तो काउंटिंग यहां से शुरू की, ठीक है। अभी हमने यहां एंगल बनाया, एक बार क्यू पे बना के देखते हैं। अगर हम क्यू पर एंगल बनाते हैं तो ये वाली लाइन अब कहां पर बिल्कुल आ रही है, स्ट्रेट यहां से, तो मैं काउंटिंग, ये लाइन यहां दब गई इस तरफ, तो मेरी काउंटिंग यहां से शुरू होगी, यहां से 40 डिग्री का मेरा यहां दिख रहा है, तो मैं यहां पर डॉट लगाऊंगा, ठीक है। अब इन दोनों को लगाने के बाद इन दोनों को यहां से हम मिला देंगे, ये बनता है 40 डिग्री का एंगल, ये बन गया हमारा 40 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो कैसे पता चला कि 40 डिग्री का जब एंगल बनाए तो हमें इसमें से काउंट कौन सा करना है,
अगर लाइन आपकी इस तरफ आती है, एंड पॉइंट यहां है और लाइन इधर आ गई, तो काउंटिंग यहां से शुरू करेंगे आप। ठीक है, काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? ये वाली काउंटिंग, ये वाली यहां से काउंटिंग। और अगर एंड पॉइंट यहां आ रहा है और लाइन इधर दब गई है, तो काउंटिंग यहां से शुरू करेंगे। जिस तरफ लाइन दबेगी काउंटिंग वहां से शुरू करेंगे। अब ये तो हमारा 40 डिग्री का, कोई और लेते हैं। चलिए हमने बनाया 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले तो एक लाइन होनी चाहिए हमारे पास, यहां पर हमने एक लाइन खींच दी। ठीक है, हो गया। इसमें 75 डिग्री का बनाएंगे, यहां बनाना चाहते हैं, यहां बनाना चाहते हैं, पहले देख सकते हैं कट पर हो गया और लाइन बिल्कुल स्ट्रेट में इसके साथ लग रही है, स्ट्रेट में लग रही है और हमें 75 डिग्री का बनाना है। अगर इधर लग रही है तो काउंटिंग तो मेरी यहीं से स्टार्ट होगी, तो मेरी काउंटिंग होगी तो 10, 20 से लेके मेरा 70 और 80, 70 और 80 के बीच में मेरा 75 डिग्री का ये वाला एंगल है। 70 और 80 के बीच में तो 75 आएगा ना, तो वो वाला एंगल मैं यहां पर इसको ज्वाइन करा के बना सकता हूं और आप भी ऐसे ही बनाएंगे। तो ध्यान क्या देना है, ध्यान देना है ये 75 डिग्री का एंगल। अगर बच्चों आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि लाइन कहां बनाई है, लाइन कहां दबी है, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूं गलती क्या हो जाती है हमारे से। अगर हमने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि ये लाइन यहां दबी है, हमने काउंटिंग कर दी यहां से शुरू, यहां से अगर आपने काउंटिंग शुरू कर दी तो 70 आपका यहां पर आएगा, 75 फिर आपका यहां आएगा। और अगर आपका 75 यहां आया तो फिर आप क्या करोगे, इसे यहां पर इसके साथ मिला दोगे, इसको मिलाओगे, तो ये आप लोग क्या मतलब जो इस चीज इस तरह की गलती करेगा वो इसे 75 कह देगा, जबकि ये 75 नहीं 105 डिग्री का एंगल है। क्यों? क्योंकि लाइन जो थी वो तो आपकी यहां पर हाइट मतलब यहां पर दब रही थी, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं आपकी काउंटिंग तो यहां से शुरू होनी चाहिए थी, 100-110 के बीच में 105 डिग्री का एंगल था, तो हमें बनाना तो 75 डिग्री का था बट हम गलती से बना बैठे 105 का। क्यों? क्योंकि हमने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि लाइन किस तरफ दब रही है, तो लाइन जिस तरफ दबेगी उधर ही से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर इधर दबती, देखिए अगर लाइन इस तरफ लाइन के नीचे दबाई हुई होती तब हमारी काउंटिंग यहां से जाके 75 यहां पर ले जाना हमारे लिए सही होता। ठीक है बच्चों, तो एंगल्स कैसे बनाएंगे, एंगल बनाने के लिए इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि डी में हमारी लाइन किस साइड दब रही है, इस तरफ दब रही है तो काउंटिंग यहां से शुरू करना, और अगर इधर दब रही है तो काउंटिंग यहां से शुरू करना। ठीक है, तो एंगल बनाने के लिए मेन जो सीक्रेट बात है वो यही है, इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा इसमें मंत्र नहीं फूकना है। बहुत इजीली डी का यूज करके आप एंगल बना पाएंगे, फिर तो आप 90, 80, 150, 100 सभी का बना पाएंगे। बस ये पता होना चाहिए कि काउंटिंग कहां से स्टार्ट करनी है। ठीक है, फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो थोड़ी बैक करके इस वीडियो को आप इसको रिपीट दोबारा से देखिएगा, फिर से समझिएगा, तब तक समझिए जब तक आपको एंगल बनाना सही से नहीं आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों इंट्रोडक्शन टू एंगल्स में आज का वीडियो इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आपसे एक लाइक बटन का तो उम्मीद कर ही सकता हूँ। तो जिन बच्चों ने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी इनके पेयर्स ऑफ एंगल्स वाले टॉपिक का वीडियो भी लेके आने वाला हूँ। अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो जल्दी से आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय बाय।